नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आप देख रहे हैं सीमा पार। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बड़ी घटनाएं हुई हैं और सीमा पार में आज हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ समिट में आतंकिस्तान पर फाइनल अटैक किया, कैसे इमरान खान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी गलती कर बैठे और पूरी दुनिया में फिर उन्हें ट्रोल किया गया। एक दिलचस्प खबर इमरान के एक मंत्री के बारे में कि कैसे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्ली अवतार सामने आ गया। सही सुना आपने, इमरान के नए पाकिस्तान में अब मीडिया को नजरबंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इमरान को मीम से डर लगता है। साथ ही इमरान कैसे 11 जून की आधी रात को देश के सामने गिड़गिड़ाकर ये कह रहे थे कि मेरी मदद कीजिए, कर्ज में हम डूब चुके हैं, पाकिस्तान कंगाल हो गया है और आप टैक्स भरकर उसे मालामाल कीजिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एससीओ समिट में मोदी के प्रचंड प्रहार की। जी हां, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो कैसे दुनिया के सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। एससीओ समिट में न केवल आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट यानी अलग थलग कर दिया, बल्कि एससीओ समिट के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में कार्रवाई करने की बात को भी शामिल करवा लिया। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने आखिरकार फाइनल अटैक कर ही दिया। पीएम मोदी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एससीओ समिट में पाकिस्तान का बिना नाम लिए बेहद कड़े शब्दों में उसे चेतावनी दी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर दुनिया के देशों को एकमत होना होगा। जो भी आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा देता है, समर्थन करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। आपको समझाते हैं कि पीएम मोदी के इस बयान के मायने क्या हैं और इसका कितना असर होगा। एससीओ समिट जहां पीएम मोदी बोल रहे थे कि उनके सदस्य भारत के अलावा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान हैं। ये संगठन यानी शंघाई सहयोग संगठन दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय आर्थिक मंच और सदस्य देशों में दुनिया की कुल आबादी के 40% लोग रहते हैं, जबकि दुनिया की कुल जीडीपी में इस संगठन के देशों का 20% योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के दो ताकतवर देश चीन और रूस इसके सदस्य हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। साथ ही चीन भी पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष में थोड़ा लचीला रुख अपना रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं पीएम मोदी का इमरान के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर दिया गया कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए आतंकवाद रोकने पर अब करो या मरो के हालात पैदा करते हैं। और ये एक मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं है, अब ये
एक इंटरनेशनल रूप ले रहा है, जैसे आईएसएस कर रही है आजकल, सिर्फ सीरिया से निकल गए और दूसरी जगह पे आके टिक गए, अफगानिस्तान में दोबारा आ रहे हैं, तो खतरा मतलब एक तरफ से शिफ्ट हो गया है। न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, अमेरिका है, सब जगह पे वो लोग अपना कदम के निशान छोड़ रहे हैं। दरअसल इस बार एससीओ समिट में चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने खास तौर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में पाकिस्तान की घेराबंदी करते हुए कहा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। बातचीत का ये माहौल तब पैदा होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को बंद करना होगा। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को साफ तौर पर कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान को अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर बचाता रहा चीन भी इस बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आतंकवाद के मामले में दूरी बनाता हुआ दिखा। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं ठीक हो रहे हैं। पुलवामा के बाद बड़ा हल्ला मचा कि चीन पाकिस्तान को ऐसा सपोर्ट कर रहा है। उस समय कुछ भारतीय दुकानदारों ने भी ये मांग की और कुछ थिंक टैंक्स ने भी मांग की कि चीन के साथ व्यापार कम कर देना चाहिए। एससीओ में एक तरफ भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी लगातार इमरान खान की अनदेखी कर रहे हैं। लगातार बातचीत की गुहार लगा रहे इमरान खान से पीएम मोदी ने हर मौके पर दूरी बनाए रखी। पीएम मोदी ने पूरी बैठक में इमरान की अनदेखी की, इमरान के साथ कोई बातचीत नहीं की, डिनर के दौरान भी बातचीत नहीं की। इमरान खान दो बार सामने आए, पीएम मोदी ने देखा तक नहीं। स्वागत समारोह में इमरान से पीएम मोदी दूर खड़े हुए, हाथ मिलाने जैसी अनौपचारिकता से भी दूरी बनाई। और तो और, फोटो सेशन के दौरान पीएम ने इमरान की अनदेखी की। इसका असर ये हुआ कि पूरे सेशन में इमरान अलग थलग रहे। इमरान खान ने हालात संभालने के लिए बड़ी चालाकी से अपने भाषण में इस्लाम वाला अपना पुराना एजेंडा चलाने की कोशिश की। इमरान ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ असहिष्णुता बढ़ रही है और इस्लाम का डर फैलाया जा रहा है, जिससे धार्मिक बंटवारा हो रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है और जहां अवैध रूप से कब्जा किया गया वहां भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकवाद के खिलाफ अपना अनुभव और रणनीति साझा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति काम कर चुकी थी और इमरान की चालाकी सफल नहीं हो पाई। एससीओ ने आखिरी दिन जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 19 बार आतंकवाद शब्द का जिक्र किया गया और 9 बार चरमपंथ शब्द का जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद, आतंकवादी एवं चरमपंथी विचारधारा का फैलाव, जनसंहार के हथियारों का प्रसार, हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियां और सुरक्षा संबंधी खतरे सीमा पार प्रकृति के होते जा रहे हैं। इन पर दुनिया भर को विशेष ध्यान देने, बेहतर समन्वय और रचनात्मक सहयोग करने की जरूरत है। बिश्केक घोषणा पत्र के मुताबिक सदस्य राष्ट्र आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा करते हैं। मतलब साफ था कि अब पाकिस्तान या तो आतंकवाद रोके या बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। खुफिया सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारत की पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में स्ट्राइक के बाद और बिश्केक में पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख थोड़ा बदला है। पाकिस्तान ने दक्षिण कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट की साजिश के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी साझा की है। दक्षिण कश्मीर में हाईवे पर आतंकी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, ये जानकारी साझा की गई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। आप फिर से सुनिए इस खबर को, क्योंकि आपको भी थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं होगा। तो बिश्केक में आपको याद है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई की थी, धो दिया था। अब
पाकिस्तान के रुख में आतंकवाद को लेकर थोड़ा बदलाव दिख रहा है, कम से कम वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने दक्षिणी कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट की साजिश के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान ने जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की है। जो जानकारी है उसके मुताबिक दक्षिणी कश्मीर में हाईवे पर आतंकी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बिश्केक में क्या हुआ था वो याद दिला देती हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उन देशों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें नाम से मार्जिनलाइज किया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान की तरफ से दुनिया का मूड भाप लिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले बिश्केक में जो डिक्लेरेशन था उसमें क्या बातें सामने आई थी वो मैं आपको बता रही थी, और उसमें एक बड़ी बात ये थी कि इंडिया आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन उस डिक्लेरेशन में शामिल कराने में कामयाब हो गया था। साथ ही इमरान खान की स्पीच आप याद कीजिए, इमरान खान भी यही कह रहे थे कि हम तो आतंकवाद से निपटने में एक्सपर्टीज जो है उसे साझा कर सकते हैं। खैर, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला ज्यादा डिटेल्स के साथ। मनीष, हमारे दर्शकों को बताइए, कम से कम मुझे तो याद नहीं है, आप बताइए इससे पहले क्या कभी पाकिस्तान द्वारा इस तरह की आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, इस तरह की कभी कोई जानकारी साझा की गई हो, कितनी बड़ी खबर ये, दर्शकों को बताइए। जी अब बिल्कुल, देखिए इससे पहले अदिति इस तरीके की चीजें तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन इसमें एक और बात आप समझ सकते हैं कि क्या ये कोई दूसरी चाल तो नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके के अटैक होंगे तो जाहिर है कि भारत इसका रिटेलिएशन करेगा, तो एक डर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, देखिए हमने पहले जानकारी दे दी थी कि पुलवामा की तरह दूसरा अटैक हो सकता है, तो इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ये कल ही इनपुट शेयर किया गया है और इसको फिलहाल काफी सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि जो फोर्सेज के कानवाए हैं, जो गाड़ियां हैं, इन रास्तों से गुजरते हैं, अनंतनाग और पुलवामा वाले रास्ते, यहां को लेकर के अलर्ट किया गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान का इसके पीछे कोई ना कोई दिमाग है, और ऐसा उनसे उम्मीद करना कि वो अब कॉपरेशन करने वाले हैं टेरर पे, या वो टेरर कैंप बंद कर देंगे, या आतंकवादियों को मदद करना बंद कर देंगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। लगातार आतंकी वैसे आ रहे हैं, हर रोज आतंकी मारे जा रहे हैं, उनके बंदूक हथियार, कई पाकिस्तानी आतंकी हैं। अच्छा मनीष, मेरा एक और सवाल है, क्या ये पाकिस्तान का आतंकिस्तान का डर भी हो सकता है, ये देखते हुए जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो इंडिया बालाकोट पहुंच गया था, क्या अभी अनंतनाग में जो हुआ है पाकिस्तान को वो डर भी सता रहा है? बिल्कुल अदिति, बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर अटैक हुआ तो भारत बालाकोट की तरह जवाब देगा, और इसीलिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम पहले ही, हमने बता दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और टेररिस्ट आईडी जैसा धमाका कर सकते हैं, तो ये उसके पीछे जरूर उनकी एक स्ट्रेटजी दिख रही है। शुक्रिया मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर के लिए। तो पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर में आईईडी ब्लास्ट की साजिश की जानकारी दी है, ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसे आप पाकिस्तान का खौफ समझ लीजिए, पाकिस्तान का डर समझ लीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये दिखाने की कोशिश कि वो आतंकवाद पर एक्शन को लेकर संजीदा है। आतंकवाद के मुद्दे पर आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान एक दूसरे के सामने आए, लेकिन अभिनंदन तक नहीं हुआ, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ कर्टसीज भी एक्सचेंज नहीं की। पाकिस्तान का नाम तो प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद पर कड़ी निंदा जरूर कर दी। एससीओ समिट में इमरान ने खुद अपनी गलतियों की वजह से दुनिया में अपनी किरकिरी कराई, क्यों कह रहे हैं ऐसा इस रिपोर्ट में देखिए।
तो ये तो रही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्रोल होने की खबर। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के एक मंत्री की दिलचस्प तस्वीर। दरअसल पाकिस्तान के एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फेसबुक पर लाइव थी, लेकिन फिल्टर का विकल्प बंद नहीं होने की वजह से जानते हैं मंत्री जी के साथ क्या हुआ। उनके चेहरे पर बिल्ली का मास्क। एक छोटी सी भूल और मंत्री जी बन गए बिल्ली। इमरान के मंत्री का बिल्ली अवतार, इमरान के सूचना मंत्री की सोशल मीडिया की ना समझें। अभी तक इन दिलचस्प तस्वीरों को देखकर आप ये तो समझ ही गए हैं कि कुछ ना कुछ तो मजाकिया हुआ है, और वो भी हमेशा की तरह पाकिस्तान में हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इमरान अगर दुनिया में कूटनीतिक प्रोटोकॉल में अपनी और पाकिस्तान की जगहसाई कर रहे हैं तो उनके मंत्री भी कहीं पीछे नहीं हैं। दरअसल ये घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाब के सूचना मंत्री शौकत यूसुफ जई के साथ हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री शौकत यूसुफ जई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया की खूबियों का फायदा उठाते हुए फेसबुक पर लाइव हुए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसी दौरान फेसबुक पर फिल्टर का विकल्प चालू हो गया और मंत्री जी समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे अन्य नेताओं के चेहरे पर बिल्लियों के मास्क लग गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब दूसरे लोग बोल रहे थे तब भी बिल्लियों का ऐसा ही मास्क बना। थोड़ी देर बाद जब गलती का एहसास हुआ तो फटाफट उसे ठीक किया गया, लेकिन तब तक ये वीडियो न केवल वायरल हो चुका था बल्कि लोग लगातार ट्रोल भी कर रहे थे। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया था और कहते हैं ना, अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही के समय में प्रांतीय असेंबली द्वारा लिए गए फैसले को लेकर हो रही थी। हम दोस्तों के साथ ऐसा कई बार मजाक करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री ऐसी लापरवाही कर दें, ये तो दिलचस्प है। शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी लापरवाही पर लोगों ने खूब मजे भी लिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, फिल्टर हटा लो, बंदा बिल्ली बना हुआ है। तो हैरान मत होइए, पाकिस्तान है तो कुछ भी मुमकिन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, आप रहिए हमारे साथ।